हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स। फ्रेंड्स, हम सभी के लिए डिफिकल्ट होता है कि हम बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग को याद रख सकें। अगर हम रूट वर्ड्स को याद रखेंगे तो एक सिंगल रूट से आप मल्टीपल वर्ड्स की मीनिंग को समझ सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं। इनफैक्ट एग्जामिनेशंस में अगर आपके पास सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है लेकिन आप उस वर्ड की रूट को जानते हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस बहुत ही सटीक ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके चांसेस कम होंगे गलत होने के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। किसी भी ट्री का जो रूट होता है, जिसे हम जड़ कहते हैं, वो उस ट्री को कनेक्ट करती है ग्राउंड से। सिमिलरली द रूट ऑफ अ वर्ड कनेक्ट्स दैट वर्ड टू सम मीनिंग। हम किसी भी नए वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं बाय एडिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू द रूट वर्ड। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, द वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। द वर्ड एम्प्लॉय इज द रूट वर्ड जिसका मतलब होता है रोजगार। इस वर्ड के आगे जो हमारी वर्ड आ रही है, दैट इज अन, वो प्रीफिक्स है जिसे हम नहीं कहते हैं। वर्ड एम्प्लॉय के बाद जो हमारी वर्ड आ रही है, दैट इज मेंट, वो सफिक्स कहलाएगा जो रिप्रेजेंट करता है किसी स्टेट, कंडीशन और एक्शंस को। सो फाइनली जो हमारी वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो रोजगार संबंधित होगी। यहां से हमें पता चल गया, सिंस वी नो द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड एम्प्लॉय, सो हम इजीली गेस कर सकते हैं कि जो वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो रोजगार से ही संबंधित होगी। सो फाइनली जो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा? बेरोजगारी। नाउ द फर्स्ट रूट वर्ड इज ओमनी। ओमनी इज अ लैटिन रूट, मीन्स ऑल। द वर्ड ओमनीपोटेंट, वी कैन ब्रेक दिस वर्ड ओमनीपोटेंट इनटू ओमनी मीन्स ऑल प्लस पोटेंट मीन्स पावर। सो इफ यू वांट टू डिस्क्राइब समवन हु कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग, वी कैन यूज दिस एडजेक्टिव ओमनीपोटेंट। सो ओमनीपोटेंट का मतलब क्या हो गया? सर्वशक्तिमान। तो उन्हें हम ओमनीपोटेंट कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीशियंट। ओमनीशियंट को हम तोड़ सकते हैं ओमनी प्लस सियंट में। ओमनी का मतलब हो गया ऑल, शियंट का मतलब हो गया नॉलेज। सो ओमनीशियंट मीन्स नॉलेज ऑफ ऑल। टू बी ओमनीशियंट इज टू नो एवरीथिंग, जिसे हम अंतर्यामी भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीप्रेजेंट। समथिंग दैट्स प्रेजेंट ऑल द टाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ओमनीप्रेजेंट, जिसे हम सर्वव्यापी कहते हैं। नाउ ओमनीप्रेजेंट की एक बहुत ही पॉपुलर सिनोनिम है यूबिक्विटस। सो ये जो हमारे थ्री वर्ड्स हैं, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनीशियंट अंतर्यामी, ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापी, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं फॉर डायटीज। सो ये तीनों वर्ड्स ज्यादातर देवी देवताओं के लिए यूज की जाती है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीफेरियस। अगर हम इस वर्ड ओमनीफेरियस को ब्रेक करें, ओमनी मीन्स ऑल प्लस फेरियस, इट्स अ लैटिन रूट मीन्स पार्ट्स, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ओमनीफेरियस मीन्स ऑफ ऑल काइंड और वेराइटीज, सब प्रकार का। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब हैं, देन योर डांस क्लब, वेरियस पॉसिबल काइंड ऑफ क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके कॉलेज में। एंड इफ यू बिलोंग टू ईच एंड एवरी क्लब, देन वी कैन डिस्क्राइब योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज ओमनीफेरियस। नाउ द नेक्स्ट रूट वर्ड इज वो। वो एक लैटिन मूल शब्द है, मीन्स ईट। द वर्ड कार्निवोर मीन्स फ्लेश ईटर, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन फ्लेश, उसे हम कार्निवोर कहते हैं, मतलब मांसाहारी। द नेक्स्ट रूट वर्ड इज हार्बीवोर। हार्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी, प्लांट ईटर, तो उन्हें हम हार्बीवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड इज ओमनीवोर। ओमनीवोर को अगर आप ब्रेक कीजिएगा, ओमनी प्लस वो, ओमनी का मतलब होता है ऑल, वो मीन्स ईट, द वन हु ईट्स एवरीथिंग, उसे हम ओमनीवोर कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज वोरेशियस। The word is usually associated with swallowing food in great quantities, or I would say in a ravenous manner. Ravenous कहने का मतलब होता है भूखड़, खूंखार, तो उसे हम ravenous कहते हैं। अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा intensely involved है किसी activity में, तो भी हम आपको voracious से describe कर सकते हैं। आपने सुना होगा voracious reader के बारे में। Suppose कोई इंसान एक दिन में दो या तीन books complete कर लेता है, तो I can say he or she is a voracious reader. So friends, with this we come to the end of our first session of root words. In the next video we will be discussing some another root words.
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।